इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इक्विलिब्रियम के दो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, पोजीशन फाइंड करना सच दैट थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पर रहे, राइट। और सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या बताया था कि पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज एज वेल एज मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पर हो जाएं। ये दो हम पहले देख चुके हैं। आज हम बाकी दो सेट देखेंगे जिनमें से पहला है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना, जिसमें हमसे पहला है नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड करना, ठीक। तो हेडिंग डाल दीजिए नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले हम इसको देखते हैं। तो 11th क्लास जिन लोगों ने बर्बाद नहीं करी होगी उन लोगों को पता होगा कि इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, ठीक, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, ठीक। अब देखिए क्या है कि न्यूट्रल प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं परेशान करेंगी, ठीक, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स। तो हमें इस चैप्टर में जिन दो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी वो होगी स्टेबल और अनस्टेबल की, इनके बारे में हमको क्लियरली पता होना चाहिए, ठीक। न्यूट्रल प्रॉब्लम्स की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या पता किसने 11th बर्बाद किया, किसने 11th अच्छे से पढ़ा है। तो सपोज ये एक ऐसा शेप है और इसमें मैं एक गोल सी बॉल ऐसे रखता हूं, तो ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगी, ये कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगी, और जहां पर रुकेगी वहां पर एफनेट कितना होगा भाई, रुकी हुई है तो एफनेट कितना है, जीरो, और एफनेट जीरो है तो क्या इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल है, बॉल रुकी हुई है, एफनेट जीरो है तो इक्विलिब्रियम डेफिनेटली, ठीक। अब अगर देखिए क्या है कि अगर शेप ऐसा हुआ, ठीक, सॉरी इसको दोबारा बना लेते हैं, अगर शेप ऐसा हुआ और फिर आपने बॉल यहां पर सजाई बहुत मेहनत से, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर शेप ऐसा है तो आप रखेंगे इधर लुढ़क जाएगा, बहुत मेहनत करेंगे और बहुत सजा के रखेंगे तब यहां पर बॉल अटकेगी। और अगर मान लीजिए अटक गई बॉल, ठीक, तो अगर बॉल अटक गई है यानी यहां पर रुक गई है तो एफनेट कितना है, जीरो, एफनेट हुआ आपका जीरो। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हमने देखा कि बॉल पर एफनेट जीरो और बॉल रुकी हुई है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम के केसेज हैं, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ऑब्वियस है कि अगर मैं इस बॉल को इधर डिस्प्लेस करके रिलीज करूं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट को चलिए एक्स से डिनोट करते हैं, अगर मैं बॉल को इधर डिस्प्लेस करके रिलीज करूं तो क्या बॉल वापस आएगी, बिल्कुल वापस आएगी, राइट। या इधर ही क्यों, अगर मैं बॉल को इधर भी डिस्प्लेस करके रिलीज करता हूं तब भी क्या बॉल वापस आएगी, बिल्कुल वापस आएगी, ठीक। तो इस केस में देखिए बॉल वापस आने की टेंडेंसी रख रही है, ठीक है। अगर इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आने की टेंडेंसी रख रही है, ठीक। अब इसको देखते हैं, इसको अगर आप डिस्प्लेस करके
छोड़ेंगे, इसको अगर आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे इधर या फिर इधर, तो क्या होगा? क्या वापस आएगा? नहीं। अगर उधर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इधर लुढ़क जाएगा, और अगर इधर डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो इधर लुढ़क जाएगा। ठीक, तो इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस केस में डिस्प्लेस करके हम बॉल को छोड़ते हैं तो वापस आएगा, परंतु अगर इस केस में हम डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो दूर चला जाएगा। ठीक, इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या याद रखना है कि चीज डिस्प्लेस करके छोड़ने पर वापस आएगी। अब देखिए, चीज अगर डिस्प्लेस करके छोड़ने पर, सपोज आपने इसे इधर की ओर ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ा, तो ये वापस आ रहा है, यानी कि यहां पर तो डेफिनेट जीरो था, परंतु जब आपने सर की ओर इसे डिस्प्लेस किया और छोड़ने पर वापस आ रहा है, इसका मतलब कि डिस्प्लेस करने पर एफनेट जो है वो किधर की ओर आ जा रहा है? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तभी ना वो वापस आएगा, राइट? ठीक, या इसको जब आप इधर डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तब भी वापस आ रहा है, यानी कि जब यहां पर है तब तो एफनेट जीरो है, परंतु जब आप इसे इधर डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं, जब आप इसे इधर डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हैं तो ये इधर वापस जा रहा है। ठीक, यानी कि जब आपने इसे इधर डिस्प्लेस किया तो फिर से एफनेट किधर क्रिएट हो गया? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, यानी कि हम देख सकते हैं कि चीज के वापस आने का कारण क्या है, चीज के टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आने का कारण क्या है, कि जब भी आप इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स हमेशा किधर उत्पन्न होगा? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, आप इधर खिसकाएंगे तो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स इधर, और आप इसे इधर खिसकाएंगे तो फोर्स किधर? इधर, राइट? इस डायग्राम के इस हिस्से से आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेज में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेज में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक, तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट को पूरा ना लिखते हुए आधा लिख लेते हैं, इसके लिए मुझे माफ करना। ठीक, एफ एंड एक्स शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? अब अनस्टेबल पर चलते हैं। तो स्टेबल में और अनस्टेबल में फर्क क्या था कि स्टेबल में चीज वापस आती थी, अनस्टेबल में चीज दूर चली जाती थी। इसका मतलब कि जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पर फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आता था, वैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पर फोर्स किधर आना चाहिए? आपका अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, तभी ना दूर जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे डिस्प्लेस करते हैं तब भी किधर जाना चाहिए? अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता था कि आप जब भी डिस्प्लेस करते थे इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन आता था, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है
कि जब भी आप डिस्प्लेस करेंगे, जब भी आप डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन उत्पन्न होगा, राइट right? ठीक। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसा है, जस्ट ऑपोजिट, राइट। या साइन से ज्यादा बेटर वर्ड क्या होगा, डायरेक्शन। साइन से ज्यादा बेटर वर्ड क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक राइट। और इस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का साइन कैसा है, सेम। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, राइट ठीक। तो अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है। पहला फर्क, स्टेबल में चीज वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पर चीज वापस नहीं, दूर चली जाती है डिस्प्लेस करने पर, ठीक। फिर दूसरा फर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पर एफ नेट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन उत्पन्न होता है, जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेस करने पर एफ नेट अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन उत्पन्न होता है, ठीक। तीसरी चीज, एक और चीज ऑब्जर्व करने लायक है, तीसरी चीज क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेस करते हैं, अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर आप इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में आएंगे, ठीक। समझ में आया, नोट करिए, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लो। ठीक, तो अब हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर वापस आते हैं, ठीक है, कि कूलम्स लॉ में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे इस स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। तो आपको मैं एक सिचुएशन देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्यू चार्ज प्लस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस होंगे, ठीक, फिक्स्ड चार्जेस, ये दोनों फिक्स्ड, और ठीक मिड पॉइंट पर, ठीक मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर शो करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, इस डिस्टेंस को एल लिख देता हूं और इस डिस्टेंस को भी एल लिख देता हूं। ठीक मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख देंगे वो लोग, ठीक मिड पॉइंट पर एक चार्ज रख देंगे वो लोग, राइट। और फिर पूछेंगे इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक मिड पॉइंट पर रखे हैं तो इक्विलिब्रियम तो होगा ना, दोनों का फोर्सेस, दोनों के फोर्सेस कैंसिल आउट कर देंगे और इक्विलिब्रियम पर होगा, ठीक। तो वो लोग आपसे क्या पूछेंगे, वो लोग आपसे पूछेंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज, ठीक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चार्ज, राइट। तो ये चित्र बना लीजिए, ठीक जल्दी बनाइए और लिखिए, और नहीं बना पाए होंगे तो वीडियो पॉज करके बना लीजिए, ठीक। लिखिए क्वेश्चन के रूप में, फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू, अब कैपिटल मत लिखना, ये कैपिटल क्यू चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक। अब मैं आपको चार केसेस दूंगा और चारों केसेस को अलग अलग हैंडल करेंगे हम लोग, ठीक। बाकी चित्र बना चुके हैं क्योंकि मुझे मिटाना है। तो अब देखिए क्या है कि
मैंने लिखवाया है इन द फॉलोइंग केसेस, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि डिफरेंट केसेस कैसे बनेंगे। तो डिफरेंट केसेस जैसे, उस चित्र को मैं फिर से बना लेता हूं, आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये कैपिटल क्यू चार्ज इन दोनों चार्जेस के ठीक बीचों बीच रखा हुआ है, तो इक्विलिब्रियम पर है, ये इक्विलिब्रियम पर है। इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है, राइट। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम दो चीजों पर डिपेंड करेगा, कुछ भी लिखना नहीं है, केवल समझिए, ठीक है ना। इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एक तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। आप इसे अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्प्लेस कर रहे हैं, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्प्लेस कर रहे हैं, या फिर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक। अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन डिस्प्लेस कर रहे हैं, या फिर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस डिस्प्लेस कर रहे हैं, इन दो बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये धीरे धीरे समझ में आ जाए कैसे डिस्प्ले कैसे डिपेंड करेगा। दूसरी किस बात पर डिपेंड करेगा, कि ये वाला जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव होने पर हो सकता है अलग आंसर आए, नेगेटिव होने पर हो सकता है अलग आंसर आए। तो देखिए दो चीजें हो गई, एक तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कितनी चीजें हैं, दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, राइट, और साइन ऑफ डिस्चार्ज। तो साइन ऑफ डिस्चार्ज कितने प्रकार के हैं, दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। तो दो हो गए साइन ऑफ चार्ज और दो हो गए डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चार, ठीक। अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो प्लस माइनस, और अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दो प्लस माइनस, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, चार कॉम्बिनेशन, ठीक। अब इसको बनाना है तो बना लीजिए वीडियो पॉज करके, और नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। अब हम पहला केस देखते हैं, पहले केस में मैं लेता हूं Q, सपोज Q इज ऑफ पॉजिटिव साइन, Q इज ऑफ पॉजिटिव साइन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग, इज अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ठीक। कैपिटल क्यू कैसा है, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग है, अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, राइट। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, और जो बुद्धिमान बालक बालिकाएं हैं वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और खुद से पहले सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और खुद से पहले सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है कि दो चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस क्यू, और ठीक बीच में एक कैपिटल क्यू रखा गया है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप इस समय की वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी पूरी बुद्धि लगा चुके हैं,
एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर है। अब इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता करना है, तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने के लिए हमें यह पता करना है कि अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, अगर हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा या नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा पता करने के लिए भाई डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो चलो डिस्प्लेस करते हैं। सपोज हमने इसको ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, एक्स जहां भी लिखूंगा तो क्या मतलब होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हमने इसको ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, अब ये चार्ज यहां पर पहुंच गया। ठीक, अब देखिए क्या है कि अगर ये चार्ज, या इसको देखिए ऊपर जगह नहीं बची है, जल्दी से इसको नीचे बना देता हूं। अगर हम इसको नीचे डिस्प्लेस करते हैं, किधर भी डिस्प्लेस करिए, इससे ये भी सीखने को मिल गया। ठीक, तब इस पर फोर्स कैसा आएगा भाई, डिस्प्लेस करने पर फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा या नहीं आएगा ये पता करना है ना। तो डिस्प्लेस करिए और नेट फोर्स निकालिए। ठीक, डिस्प्लेस करिए और नेट फोर्स निकालिए। तो मैंने डिस्प्लेस कर दिया, अब इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स देखना है। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो सपोज एफ फोर्स से रिपेल कर रहा है तो क्या इधर फोर्स लगाएगा, राइट। और ये चार्ज भी तो इसको रिपेल ही करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये वाला किधर फोर्स लगाएगा, इधर। और सिचुएशन इतनी सिमेट्रिक है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम और ऑब्वियसली डिस्टेंस भी सेम, तो अगर ये चार्ज एफ फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी कितना फोर्स लगाएगा, एफ ही लगाएगा, राइट। ठीक, तो इस चार्ज पर फोर्सेज ऐसे आएंगे। अब इन दोनों फोर्सेज का नेट फोर्स कैसे देखेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट। ठीक, तो अब अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे ना, राइट। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, राइट। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स करते हैं, तो इधर की ओर कितना आएगा, एफ साइन थीटा, ठीक, और इधर की ओर कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, राइट। इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इधर की ओर कितना आएगा, एफ साइन थीटा, और इधर की ओर भी कितना आएगा, फिर से एफ कॉस थीटा, तो क्या मैं इधर टू एफ कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ नेट कितना बचा, 2f cos थीटा नीचे की ओर। ठीक, तो अब हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, प्लस q, प्लस q, ठीक, और मिड पॉइंट पर एक प्लस q को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं मिड पॉइंट पर रखे प्लस क्यू चार्ज को, तो फोर्स किधर आ रहा है, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल, राइट। चेक करो कितने लोगों का सही है, ठीक है। और जिसको ज्यादा समझना हो वो वीडियो पॉज करके समझे।
ठीक। अब नेक्स्ट केस पर चलते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में पूरी तरह से आप लोग दोबारा लिखेंगे, बाकी मैं दूसरे केस के लिए क्या कर रहा हूं, सिर्फ चार्ज को नेगेटिव कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट सेम रख रहा हूं अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, और चार्ज को बस नेगेटिव कर दे रहा हूं। तो अब देखिए क्या है कि सपोज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज यहां यहां रखा गया है, राइट, और यहां पर रखा गया है माइनस क्यू चार्ज, ठीक। अब इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमें देखना है, इसका नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हमें देखना है। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है भाई, डिस्प्लेस करना है और देखना है कि उस पर जो फोर्स आ रहा है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन है या नहीं, ये देखना ना, ठीक। तो ये देखने के लिए इसको डिस्प्लेस करिए और फोर्स निकालिए, सिंपल सी बात। तो इसको डिस्प्लेस करते हैं, इसको हमने डिस्प्लेस किया, ठीक, इक्विलिब्रियम पोजिशन से हमने डिस्प्लेस किया, राइट। और अब हम इस पर एफ नेट निकालेंगे और उसका डायरेक्शन तय करेगा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब देखिए क्या है कि ये नेगेटिव क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, राइट। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो ये भी किधर फोर्स लगाएगा, इधर ही लगाएगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, और डिस्टेंसेज भी सेम है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को एफ और एफ लिख दिया है, राइट, ठीक। तो इस वाले चार्ज पर दो फोर्सेज एफ और एफ लग रहे हैं, परंतु हमें क्या निकालना है, एफ नेट। एफ नेट निकालने के लिए हम लोग ऐसे दो लाइनें खींच देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, यल एंगल थीटा तो यल एंगल भी थीटा, राइट, सिमेट्री है, और इस एफ को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। भाई आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए कम से कम, तब मैं आपको कूलम्स लॉ सिखा सकता हूं, ठीक है। इस एफ को रिजॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, एफ साइन थीटा, और इधर कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, इतना तो आना चाहिए। अब इस एफ को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इस वाले पर कितना आएगा, फिर से एफ साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर की ओर कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, तो क्या मैं यहां पर टू लिख सकता हूं, राइट। अब देखिए क्या है कि ये एफ साइन थीटा और ये एफ साइन थीटा कट जाएगा तो एफ नेट कितना बचा, टू एफ कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजिशन, राइट। हमें इस टू एफ कॉस थीटा से मतलब नहीं है, हमने बस ये देखा कि डिस्प्लेस करने पर एफ नेट किधर आ रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, राइट। तो अगर एफ नेट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजिशन आ रहा है तो कौन सा नेचर हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, राइट, समझ लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक। और जब भी मैं सिचुएशन दूंगा आप वीडियो पॉज करके जरूर से सोच लेना, ठीक। चलिए मिटाते हैं, और जिन लोगों को और समय चाहिए समझने के लिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम थर्ड केस पर। थर्ड केस में मैं चार्ज को पॉजिटिव बना देता हूं और डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं अलोंग लाइन जॉइनिंग, अलोंग लाइन जॉइनिंग द
charges along line joining the charges. ठीक, तो अब देखिए क्या है, और आप लोग देखिए भाई नए सिरे से लिखेंगे. ठीक, जैसे मैं मिटा के लिख दे रहा हूं, आप तो नहीं मिटा के लिख सकते ना, तो आप लोगों को नए सिरे से लिखना होगा. अब देखिए क्या है कि सबसे पहले तो वीडियो पॉज करिए, खुद से सोचिए आंसर क्या होना चाहिए, बाकी मैं सॉल्व करता हूं. इसको सॉल्व करने के लिए भाई सिचुएशन क्या थी, जब ये एकदम ठीक मिड पॉइंट पर था, तो सपोज इसको मैं वन बोल देता हूं, इसको मैं टू बोल देता हूं. नोटेशन से सब लोग अवगत होंगे पिछले लेक्चर में, यानी इसके कारण लगाया जाने वाला फोर्स क्या होगा एफ वन, इसके कारण लगाया जाने वाला फोर्स क्या होगा एफ टू. तो जब ये ठीक बीच में होगा तो क्या एफ वन जो कि इधर की ओर होगा रिपेल करेगा ना, और एफ टू ठीक है ना जो कि इधर की ओर होगा क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे राइट, और एफ नेट कैसा हो जाएगा जीरो. ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर मैं कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं, अगर मैं कैपिटल क्यू चार्ज को इधर की ओर डिस्प्लेस करता हूं, ठीक, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज तो यहां पर आ जाए राइट. अब बात करते हैं एफ वन की, तो एफ वन अब भी इधर की ओर ही रहेगा, एफ वन अब भी इधर की ओर ही रहेगा ठीक, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, परंतु डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या पहले की अपेक्षा एफ वन घट जाएगा. ठीक, डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण क्या पहले की अपेक्षा एफ वन घट जाएगा, बिल्कुल घटेगा राइट. एंड लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसीलिए देखिए इस एरो को मैंने छोटा कर दिया है, तो एफ वन घट जाएगा. एफ टू की जहां तक बात करें तो एफ टू का डायरेक्शन अब भी इधर ही की ओर रहेगा, परंतु डिस्टेंस घट जाने के कारण, डिस्टेंस घट जाने के कारण एफ टू का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा राइट. ठीक है, तो जब हम उसको उधर खिसकाएंगे तो एफ वन का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने के कारण घट जाएगा, और एफ टू का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस घटने के कारण बढ़ जाएगा, तो एफ नेट किधर आएगा एफ टू के डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. एफ नेट किधर आ रहा है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक, तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम राइट. ठीक, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, समय कम पड़े वीडियो पॉज कर लीजिए. अब मैं इसके आखिरी केस पर चलता हूं. इस कैपिटल क्यू को हम निगेटिव कर देते हैं, इस कैपिटल क्यू को हम लोग निगेटिव कर देते हैं राइट. तो सिचुएशन अब भी वही है पहले खुद से देख लेंगे भाई, सिचुएशन अब भी वही है कि कैपिटल क्यू अगर ठीक बीच में होगा, सॉरी अब निगेटिव, कैपिटल क्यू अगर ठीक बीच में होगा तो इस चार्ज नंबर वन और चार्ज नंबर टू के द्वारा लगाए जाने वाले जो फोर्सेज होंगे
आपकी बार अट्रैक्टिव होंगे क्योंकि चार्ज ऑपोजिट साइन के हो गए और इस तरह से लेंगे ठीक, और मैग्नीट्यूड भी इनका इक्वल होगा एफ वन एफ टू के बराबर होगा राइट। और एफ नेट कैसा हो जाएगा जीरो, तो हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगी ठीक। अब अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, अब अगर हम इसको इधर की ओर डिस्प्लेस करते हैं राइट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का डायरेक्शन एफ वन एफ टू अब भी वही रहेगा क्योंकि चार्जेस का साइन तो बदला नहीं ठीक, परंतु वन से डिस्टेंस, वन वाले चार्ज से या यूं कहें कि एफ वन के लिए जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है तो जो एफ वन होगा वो घट जाएगा, एफ वन जो होगा वो घट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस वन से बढ़ गया है राइट। और टू के कारण जो फोर्स होगा, टू के कारण जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस टू से क्या हुआ है घट गया है, डिस्टेंस टू से क्या हुआ है घट गया है, तो एफ टू बढ़ जाएगा तो एफ नेट किधर आ जाएगा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, एफ नेट किधर आ जाएगा अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन राइट। तो ये इक्विलिब्रियम कैसा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ ठीक, नोट कर लीजिए। और इस प्रकार से हमने चारों केसेस डिस्कस कर लिए राइट। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में एसएचएम की प्रॉब्लम्स ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे एसएचएम प्रॉब्लम्स। थैंक यू।